नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे चीन महाऔषधि और रसायन मानता है, जिसे रोम के लोग भगवान का आहार मानते हैं। ये एक प्रकार का फंगी यानी कवक है जो बारिश के मौसम में अपने आप उग जाता है। जी हाँ, वो सब्जी और कोई नहीं मशरूम है, जिसे कुंभी या कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मशरूम की दो स्पीशीज बहुत फेमस है, व्हाइट बटन मशरूम और ईस्टर मशरूम। आपको बता दें कि मशरूम का उपयोग आहार के साथ साथ दवा के तौर पर भी किया जाता है और वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीट से मिलने वाले सभी फायदे आपको मशरूम से मिल सकते हैं। तो चलिए, आज अपने वीडियो में हम जानते हैं मशरूम से मिलने वाले फायदे और उसके नुकसान के बारे में। मशरूम आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। शरीर को इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मशरूम का उपयोग आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें, ये पॉलीसेकेराइड से भरपूर होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। मशरूम में बीटा ग्लाइसिन और लिनोलिक एसिड होता है जो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करता है। साथ ही कई रिसर्च भी इस फेवर में मिला है कि मशरूम में मौजूद तत्व कैंसर के प्रभाव को कम करते हैं। मशरूम में मौजूद काइटिन, लाइसिन और प्रोटीन शरीर में ट्यूमर बनाने से भी रोकती हैं। मशरूम डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। आपको बता दें कि शुगर पेशेंट के लिए मशरूम एक अच्छा आहार माना गया है, क्योंकि इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और शक्कर नहीं होते, बल्कि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये आपको शरीर में इंसुलिन बनाने में भी सहायता करते हैं और इसमें वो सब कुछ पाया जाता है जो एक शुगर पेशेंट के लिए होना चाहिए। ये आपके बढ़ते वजन को कम करने के लिए या फिर वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसमें लो फैट के साथ हाई डाइट्री फाइबर और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो आपके वेट लॉस के लिए बेस्ट डाइट हो सकते हैं। एक चीनी रिसर्च के अनुसार मशरूम में एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं, जो आपके वजन को कम करने में काफी फायदेमंद हो सकते हैं। मशरूम में सामान्य मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। कैल्शियम आपके हड्डियों के साथ साथ दांतों को भी मजबूत करता है। कैल्शियम के अलावा मशरूम में सेलेनियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों के आकार को सही बनाए रखने में मदद करता है। सेलेनियम अधिकतर एनिमल प्रोटीन में पाया जाता है, इसीलिए ये मशरूम वेजिटेरियन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मशरूम आपके हार्ट फंक्शनिंग को सही करता है। इसमें मौजूद घटक सभी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये घटक ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन संबंधी विकार को भी सही करते हैं, जिसके कारण मशरूम खाने के फायदे हेल्दी हार्ट के साथ साथ कई अन्य समस्याओं से बचाने में भी मददगार माने गए हैं। ऐसे ही मशरूम के कई अनगिनत फायदे हैं, जैसे कुपोषण से बचने के लिए ये फायदेमंद होता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा माना गया है, एनीमिया के इलाज में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होता है, पेट की समस्या को दूर करता है और त्वचा के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मशरूम से होने वाले नुकसान के बारे में। आपको बता दें कि मशरूम का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे उचित मात्रा में और सही जानकारी के साथ सेवन करेंगे। वैसे तो ये ज्यादातर आपको फायदा ही पहुंचाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसका सेवन सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका ज्यादा उपयोग ना करें, कुछ लोगों में मशरूम खाने से एलर्जी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और नर्सिंग महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर से सलाह लिए बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को इसके सेवन से बचना चाहिए। इसमें कुछ मशरूम की प्रजातियां जहरीली होती हैं, तो सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। और आखिरी में, मशरूम के नुकसान से बचने के लिए हमेशा ताजा और अच्छा मशरूम ही खाना चाहिए, क्योंकि फंगस लगे मशरूम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मशरूम से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको इतने सारे फायदे एक साथ मिल सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।